नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं योगेश। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंगल चार्जर रिफॉर्म के बारे में और ये कहां पर हुआ है इसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, जो यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट है, इसने अप्रूव कर दिया है सिंगल चार्जर रिफॉर्म। अब ये सिंगल चार्जर रिफॉर्म है क्या? देखिए, 2024 के बाद से चाहे आपका फोन हो, आपका कैमरा हो या आपका टैबलेट हो, इन तीनों चीजों के लिए ही एक सिंगल चार्जर ही काम कर जाएगा। मतलब अब आपको अलग अलग चार्जर जो है इन तीनों चीजों के लिए कैरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक चार्जर और तीनों चीजें चार्ज हो जाएंगी। तो ये जो रिफॉर्म है उसको सबसे पहले जो लेकर आया है वो है यूरोपियन यूनियन, और जो यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज हैं वहां पर ये लागू होगा। उसके साथ ही जो लैपटॉप है उसके लिए ये लागू होगा 2026 में। मतलब टैबलेट, कैमरा, मोबाइल और लैपटॉप तीनों चीजें जो है वो एक सिंगल चार्जर से चार्ज हो जाएंगी। खास बात ये है कि इसके लिए जो ईयू है उसने यूएसबी टाइप सी को चुना है। यूएसबी टाइप सी आपने सुना होगा, मोस्टली जो एंड्रॉइड बेस्ड फोन है उनके अंदर जो चार्जर होती है उसकी जो डाटा केबल होती है उसके अंदर टाइप सी जो है वो दिया जाता है। तो इसका जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है वो एप्पल कंपनी के ऊपर आने वाला है, और जो एप्पल है वो इसका शुरू से ही विरोध करता आया है और वो कहता है कि ये जो रिफॉर्म है वो एक्चुअली में जो इनोवेशन है उसको हर्ट करता है। बट कहीं ना कहीं आप समझिए कि जब एक सिंगल चार्जर होता है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं। सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि इससे जो प्लास्टिक वेस्ट है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपने सुना होगा एक घर में अगर 10 फोन है और वो अलग अलग अगर कंपनी के होंगे तो उसके लिए कितने सारे चार्जर जो है वो उस आदमी को परचेस करने पड़ेंगे। अब एक घर में एक सिंगल चार्जर होगा तो कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक वेस्ट है वो भी रिड्यूस होगा। उसके साथ ही जो कंज्यूमर है उसके मिलियंस ऑफ डॉलर बच जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर एक घर में एक एप्पल का फोन है, दूसरा सैमसंग या ओप्पो का फोन है, तो उसके लिए उसको अलग अलग चार्जर नहीं खरीदने पड़ेंगे। अगर एक बंदे का चार्जर खराब भी हो जाता है तो वो सेम चार्जर जो है दूसरे का यूज कर सकता है। अब इसका जो बेनिफिट है वो एप्पल की कंपनी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि एप्पल की सेल इससे बढ़ सकती है। देखिए, होता क्या है कि बंदा कभी कभी ये टाइप सी के चक्कर में ही एप्पल के फोन को रिजेक्ट कर देता है, वो सैमसंग या कोई और जो फोन है दूसरी कंपनी के उनको परचेस कर लेता है। अब अगर उसको पता है कि यार चार्जर की तो कोई इशू है नहीं, मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो मेरे को इजीली ये अवेलेबल हो जाएगा, तो वो हो सकता है कि जो एप्पल है उसके प्रोडक्ट परचेस करना जो है वो प्रिफेयर करे। अब चौथा जो इसका बेनिफिट है वो हो सकता है उन कंज्यूमर्स को जो एप्पल के ओल्ड मॉडल को खरीदेंगे, क्योंकि देखिए जब टाइप सी वाला एप्पल आ जाएगा मार्केट में तो यहाँ पर होगा क्या कि जो ओल्ड मॉडल के प्रोडक्ट है, जो ओल्ड मॉडल के फोन्स हैं या टैबलेट हैं या फिर उनके कैमरा हैं, वो जो है वो सस्ते हो जाएंगे, उनकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इससे जो कंज्यूमर पुराने ओल्ड मॉडल को खरीदेंगे उनको जो है ये कम कॉस्ट में मिल सकता है। फिफ्थ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है कस्टमर कन्वीनियंस। यहाँ पर होगा क्या कि आपको एक बैग के अंदर बहुत सारे चार्जर जो है वो कैरी नहीं करने पड़ेंगे। अब आप इसमें कैमरा रखिए, टैबलेट रखिए और चाहे मोबाइल फोन रखिए और एक चार्जर रखिए, तो आपके लिए जो है वो कन्वीनियंस भी जो है वो बढ़ जाएगा और आपको जो है अनकंफर्टेबल भी ये सब चीजें फील नहीं करा पाएंगी। देखिए, इंडिया के अंदर ये रिफॉर्म अभी नहीं आएगा, हो सकता है कि ये रिफॉर्म इंडिया के अंदर कुछ टाइम के बाद आए, क्योंकि इंडिया अभी जो है वो पीएलआई स्कीम के ऊपर काम कर रहा है जिसमें बहुत सारे बेनिफिट जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स को दिए जा रहे हैं, उसमें मोबाइल फोन कंपनियां भी हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई भी काम हो जिससे इनके सेंटिमेंट हर्ट हो और इंडिया के अंदर ये जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस लगातार बढ़ती जा रही है उसमें कोई भी रुकावट आए। तो हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन में ये अच्छे से लागू हो जाए और दूसरी जो अदर कंट्री है वो भी उसको पास कर ले, उसके बाद ही ये इंडिया में लागू हो। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।